आपका काम लेकर हम केंद्र से आते हैं, आपका काम यहाँ के पदाधिकारी नहीं कर पाता, उसकी शिकायत आप नहीं सुनिएगा तो फिर हम कैसे सोचेंगे कि आप हमारा हेल्प कर रहे हैं। नीतीश जी जब आपके साथ थे तो सुशासन का नारा दिया करते थे, अब क्या नारा है? कि ये शराबबंदी पहले कंट्रोल कर लेना, आ ये जो जितना गोली चल रहा है, जितना अपराधी घूम रहा है, आ जितना मर्डर हो रहा है, पहले उसी को तो नहीं समझ ले कि पदाधिकारी इनका क्या कर रहा है। तो लूट ही लूट है, सड़क में लूट है, अनाज में लूट है, घर में लूट है, सब है, आ सब कुछ ये जान रहे और फिर भी चुप है। जातिगत राजनीति के लिए बिहार बदनाम रही है, क्या लगता है एक बार फिर विकास की राजनीति पर, जाति की राजनीति फिर हावी हो रहा है? नहीं नहीं हावी होगा, विकास पर ही हावी होगा। भाजपा के प्रत्यक्ष में मतलब सपोर्ट में केदार गुप्ता जी के लिए आप लगातार दौरे पर हैं, कहाँ पाती हैं भाजपा को? सभी जगह भाजपा देख रहे हैं। नजदीकी लड़ाई किससे? कोई से नहीं, लड़ाई ये नहीं कोशिश, सभी जगह लोग कह रहा है कि हम लोग इनके साथ साथ हम प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ दिया, 70 साल कांग्रेस भी राज किया, 15 साल हमारे माननीय लालू जी भी राज किए, 15 साल ई भी राज किए, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर इनको बैठाए रहे, आदर सत्कार मिलते रहा, तब ये भाग कर उधर जाए तो फिर उधर से लौट के आते हैं, फिर भाग जाते हैं, वहाँ क्या मिल जाता है हमको समझ में नहीं आता है। आज तक ले हमको समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा किए और क्या क्या सोच लाते हैं, क्या फ़ायदा हुआ। हालांकि हम इनको ईमानदार नेता समझते हैं, नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री को बहुत ईमानदार नेता समझते हैं, लेकिन इनका दिमाग कैसे घूम गया हमको नहीं मालूम होता है। और जिस स्थिति में हम लोग चल रहे थे, बहुत सारी कमियां होती है, लेकिन हम लोग कमियां को भी अलग करके सोचते थे कि चलिए भाई हमारे ऊपर वाले नेता इनको मुख्यमंत्री बनाए हैं, तब मुख्यमंत्री जी थोड़ा बात कर लीजिए, अब बात नहीं करते हैं तो हमको तकलीफ़ होता है। हम लोग तो जनता के नौकर हैं, नौकरी करने आए हैं, जो भी तकलीफ़ होता है तो हम अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं तो तकलीफ़ होती है कि काहे नहीं सुनते हैं भाई, आपका काम लेकर हम केंद्र से आते हैं, आपका काम यहाँ के पदाधिकारी नहीं कर पाता, उसकी शिकायत आप नहीं सुनिएगा तो फिर हम कैसे सोचेंगे कि आप हमारा हेल्प कर रहे हैं। तो आप जाइए, जो काम न करने वाला के साथ हो गए हैं तो आप जाइए न करिए, जनता अपने हिसाब दे देगी। यहाँ गठबंधन से काम नहीं चलेगा, जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि वोट अगर देते हैं तो किस लिए देते हैं, इनका जवाब अपना ढूंढेंगे, जब सीट यहाँ का जाएगा तब क्या करेंगे सोच लीजिए। नीतीश जी जब आपके साथ थे तो सुशासन का नारा दिया करते थे, अब क्या नारा देंगे? सुशासन को अपने नारा देते थे, हम लोग तो कहते थे कि शराबबंदी पहले कंट्रोल कर लेना, आ ये जो जितना गोली चल रहा है, जितना अपराधी घूम रहा है, आ जितना मर्डर हो रहा है, पहले उसी को तो नहीं समझ ले कि पदाधिकारी इनका क्या कर रहा है, विकास में क्या कर रहा है। जब हम मीटिंग में बैठते हैं दिशा के मीटिंग में, तो लूट ही लूट है, सड़क में लूट है, अनाज में लूट है, घर में लूट है, सब है, आ सब कुछ ये जान रहे आ फिर भी चुप है, तो हम क्या कहें उनको? जिस जातिगत राजनीति के लिए बिहार बदनाम रही है, क्या लगता है एक बार फिर विकास की राजनीति पर, जाति की राजनीति फिर हावी हो रहा है पुरानी में? नहीं नहीं हावी होगा, विकास पर ही हावी होगा, जात पर हावी नहीं होगा, विकास पर हावी होगा। कुरहनी के विकास पर आप कुरहनी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अरे विकास के किताब छापे हुए है, इतना काम है किए हुए कि हम तो पढ़े हैं तो आश्चर्य किए कि भाई 5 साल में इतना सड़के इतना बना के ये आदमी छोड़ा है। तो दौड़ता होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा है ये है, मीठा है ये है, सबसे मिलने वाले है ये, सबके कर जोड़ने वाले है ये है, इसके माध्यम से वो काम निकाले और इतना काम कर लिए। तो काम की पूजा होती है, चाम की पूजा नहीं होती है। मतलब बीजेपी जो है वो तरफा जीत हासिल करेगी? हाँ करेगी, 100% करेगी जी, 100% करेगी जी।